नेता के दम पर कार्यकर्ता पैदा नहीं होता। जो चले गए वो हमारे थे ही नहीं, जो आज हमारे साथ है वो हमारे हैं। कहावत है, तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम गैरों से शिकायत किया, जो अपना था ही नहीं। आँख मिलाते थे, आँख चुराने लगे भी आज वो। कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें जो व्याप भ्रष्टाचारी उसको हम लोग मिटाने का काम करेंगे। जैसे रसीद का मामला होता है तो दो चार जगह से सुनने में मिलता है कि कर्मचारी किसी ग्रामीण को चाहे बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कि यहाँ आकर स्कूल पर मिलिए तो पोखरी पर मिलिए, तो भैया ये बंद हो जाएगा, स्कूल और पोखरी पर नहीं मिलेंगे, कार्यालय में मिलेंगे। हर फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, वो लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इधर रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी को ही ज्वाइन आपने किया है। रामविलास जी का जो छवि है अभी तक का जो रिकॉर्ड है और जो देश के लिए जो भी मंत्री पद पर वो बैठाया गया केंद्र में, उसमें उनकी छवि को देखते हुए और ईमानदारी के देखते हुए उनके पार्टी के ज्वाइन किए हैं। कब मनोनयन हुआ आपका? कल का। कल कांटी प्रखंड अध्यक्ष पद पे हुए जी। क्या कुछ करने की तैयारी है, क्या प्राथमिकता हो गया है? अभी तो कल कार्यभार मिला है, आगे के प्लानिंग करके और जो जनता के बीच में जाएंगे और जो समस्या उनका सुना जाएगा, उसके अलावा जो पार्टी का जो भी मैनोफेस्टो है वो उनके बीच में रखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो अभी तो चिराग पासवान जी का नई पार्टी का गठन हुआ है, रामविलास जी का पार्टी में दो भाग में हो गया है, तो चिराग जी का पार्टी का विस्तार हो रहा है, उसमें हमारा जो योगदान होगा एक प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से वो किया जाएगा। दो बार होने के बाद संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कांटी में किस प्रकार आपके नेतृत्व में मजबूत मिलेगी पार्टी को? हमसे जितना बन पाएगा, एक उनका रामविलास जी का छवि को लेकर और नई पीढ़ी में नई जागरूकता के लेकर चिराग जी को लेकर एक नया अभियान चल रहा है, उस अभियान को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। क्या लगता है चिराग पासवान आगे के भविष्य है बिहार के? यस बिल्कुल, एक नई पीढ़ी के नई जागरूकता देने वाला व्यक्ति हैं, नई सोच के हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नया चेंजिंग आएगा, ये स्पष्ट है कि चेंजिंग आना है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पिताजी से लेकर अभी तक छवि जो है वो साफ सुथरा है, राजनीति में बिल्कुल साफ सुथरा छवि के परिवार के हैं तो अच्छा है। क्या संगठन विस्तार को लेकर के क्या कुछ रणनीति होगी आगे कांटी में? अभी तो कल काजवार मिला है तो देखते हैं आगे, अब अकेले तो हो नहीं सकता, सबको लेके साथ में रणनीति बनेगी, उसके साथ आगे आगे देखते हैं। स्थानीय स्तर पर कई तरह की समस्या भी है, उन समस्याओं को किस प्रकार निपटारा करेंगे? समस्या बहुत है, इसलिए अब जनता के बीच में जाएंगे ना, उनका समस्या सुनेंगे समझेंगे फिर आगे उसके ऊपर कदम उठाया जाएगा। नल जल योजना का काफ़ी समस्या है तो इसको कैसे निजात पाया जाएगा? वो फर्स्ट मेरा समस्या के समाधान में पहला प्रोटीन नल जल है। अभी तक कल के डेट में कांटी के 8 नंबर वार्ड में देखा गया है, एक टंकी नीचे है एक टंकी ऊपर है, टंकी एक हवा में उड़ के गायब है। अभी तक नल जल के कितना 3.5 साल हो गया, 3 साल के लगभग एक बूंद पानी नहीं आया 8 नंबर वार्ड में, जबकि 8 नंबर वार्ड का एक सदस्य मैं भी हूँ, एक बूंद पानी नहीं है। आज वो जो उनका टंकी जो है ऊपर जो प्लास्टिक का टंकी रखे हुए हैं वो अभी जाके वो क्या बोलते हैं उसको गंडक में गिरा हुआ। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सबसे सफल योजना है नल जल योजना है, वो तो अब कागज में है ना, हम ग्राउंड में बताएंगे ना कहाँ है। अब ये हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं आया, 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में एक बूंद पानी नहीं आया। इसका रिपोर्ट कितना बार पंचायत के थ्रू मुखिया को दे चुके हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है।
एक 4 नंबर वार्ड हमारा ये जो अभी पुराना ढेमा पंचायत का था, 4 नंबर वार्ड का डांट प्रकार किए हैं, जाके समझे हैं, तो कल के डेट में उसका मोटर निकाल के रिपेयरिंग कर रहा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? क्या बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछना ही नहीं है, खाली खिचड़ी खिला के बच्चा को अंडा खिला के नहीं ना होता है। शिक्षक को दारू पकड़ने के लिए भेज देते हैं तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? शिक्षा का स्तर बहुत नीचे स्तर पर चला गया है। क्या भविष्य लगता है आपको पार्टी में? पार्टी में भविष्य है, समय लगेगा। पहला राजनीतिक पड़ाव है? जी पहला है। अच्छा। लेकिन ईमानदारी है, हम जिस विभाग से आए हुए हैं वहाँ ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं। वहाँ के कहावत है, देश की इज्जत, अपनी इज्जत, समाज के इज्जत, ये 3 इज्जत बचा के रखिए, आपका आगे के भविष्य ठीक रहेगा। सेना में रहकर दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, यहाँ तो भ्रष्टाचारियों से लेना पड़ेगा। देखेंगे, जैसा समय आएगा उसके अनुसार देखा जाएगा। अगर लोहा लेना पड़ेगा तो फिर तो हम तो लोहे लेते आज तक आए हैं, उसमें पीछे रहने का तो कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ संदेश रहेगा कांटीवासियों के नाम आपके तरफ से? कांटीवासी को अभी चिराग पासवान जी युवक है, ईमानदार छवि का उनका परिवार है, उससे जुड़े, समझे, उनको हर एक दुख तकलीफ में वो आते हैं, उनके पास अगर संदेश जाता है जो इस गांव में कोई घटना हुआ है तो खुद चल के आते हैं। इतना कांड हुआ सिरसिया में इतना बड़ा कांड हो गया मुखिया के इलेक्शन से पहले इतना बड़ा कांड हुआ, जबकि जो सत्ते पर बैठे हुए हैं उनका एक भी सदस्य नहीं आया, लेकिन चिराग पासवान जी खुद चल के आए और सबसे पूछा, उनका शिकायत आपका पटना तक पहुंचाया गया। ये उनमें विशेषता है जो जनसाधारण से लोग मिल के रहना चाहते हैं, नए पीढ़ी के है, नई सोच है। ये पार्टी नई नहीं है, पार्टी तो पुराने ही है। सांसद चले जाने से पार्टी नया पुराना नहीं होता है, कार्यकर्ता के दम पर नेता पैदा होता है, नेता के दम पर कार्यकर्ता पैदा नहीं होता। जो चले गए वो हमारे थे ही नहीं, जो आज हमारे साथ है वो हमारे हैं। कहावत है, तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम गैरों से शिकायत किया, जो अपना था ही नहीं, आँख मिलाते थे, आँख चुराने लगे भी आज वो। तो राजनीति में इन बातों का कोई मायने नहीं दिया जाता है? किन बातों का? जो बात आप भैया, तो हमने कहा ना कि जो चले गए थे वो जो चले जाएंगे, कहावत है कि जाने वाले तेरी याद सताए, तो ऐसे लोगों की याद में क्या सताना जो चले गए। जिला स्तरीय संगठन का विस्तार किया गया है, कांटी में नया अध्यक्ष। देखिए अभिभावक हैं हम सभी लोगों के, और मजबूती क्या, हम लोग A to Z तक का काम करेंगे, समाज के अंतिम पैदान तक खड़े हर उस व्यक्ति का आवाज़ बनने का काम करेंगे। और कांटी ब्लॉक में जो व्यापक भ्रष्टाचारी है, जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें जो व्यापक भ्रष्टाचारी, उसको हम लोग मिटाने का काम करेंगे। जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसमें क्या कहा जाता है, रसीद का मामला होता है, तो 2-4 जगह से सुनने में मिलता है कि कर्मचारी किसी ग्रामीण को चाहे बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कि यहाँ आकर स्कूल पर मिलिए तो पोखरी पर मिलिए, तो भैया ये बंद हो जाएगा, स्कूल और पोखरी पर नहीं मिलेंगे, कार्यालय में मिलेंगे। रामविलास पार्टी की स्थिति आने वाले समय में क्या रहने वाली है? आप नवयुवक भी है, छात्र जीवन से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है क्या भविष्य होगा? देखिए आने वाले 2025 में वादा हम दिलाते हैं कि सरकार बने या ना बने, मुख्य विपक्षी दल का हम लोग भूमिका निभाएंगे, आज भी निभा रहे हैं, और 2025 में जब चुनाव आएगी तो जनता के मैंडेट अगर हमें मिलती है और हमारे नेता को अगर बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम किया जाता है, तो हमारे नेता ने स्पष्ट शब्दों पर कहा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। वो लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। लड़ाई राज और नाज की है, लड़ाई नियत और सिद्धांत की है। मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, एक मामूली सा 10-11 साल का बच्चा सोनू शिक्षा व्यवस्था को खोल कर रख देता है, ऐसे सैकड़ों सोनू मोनू
सरकारी स्कूल में भटक रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा के लिए लाचार है, तो कैसा नालंदा मुख्यमंत्री के गृह जिला में आज से विगत दो दिन पहले हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप ही लोग जैसे लोगों ने दिखाने का काम किया कि एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर जाती है और बिना एम्बुलेंस का उसका बेटा उसके हाथों में जब दम तोड़ देता है, सोच रही वो कैसी यातनाएं होगी, कैसी पीड़ा का वक्त होगा कि किसी माँ का पुत्र उसके आंचल में दम तोड़ दे। वैसे कुर्सी पर बना रहना और वैसे लोगों को जिन कुर्सी पर जीवित रहना हम लोग नहीं मानते हैं कि ठीक है। आप वैसे तो वो काटी को नया अध्यक्ष मिला है, आपके पार्टी की ओर से क्या रणनीति होगी आगे? काटी को विकास करने की हमारी रणनीति है, जो काटी विकास के पथ से भटक गया है। चलिए न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।